बिहार चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद नीतीश कुमार तो सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी का डिप्टी सीएम के पद से पत्ता कट गया है। सुशील मोदी के डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने के बीजेपी के फैसले से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि नई सरकार में बीजेपी की तरफ से दो डिप्टी सीएम होंगे। इनमें कटिहार से बीजेपी विधायक तार किशोर प्रसाद और बेतिया से जीत कर आई रेणु देवी का नाम चल रहा है। सवाल है कि अब तक बिहार में बीजेपी का चेहरा रहे सुशील कुमार मोदी को क्यों किनारे लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा फैसला भविष्य को देखते हुए लिया है। सुशील मोदी को नीतीश कुमार का खास सहयोगी और पसंदीदा नेता माना जाता है। बीजेपी की कोशिश किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाने की है जो नीतीश की छत्रछाया से बाहर निकलकर काम करे। डिप्टी सीएम के पद पर तारकिशोर प्रसाद का चुनाव इसलिए भी हुआ क्योंकि वो वैश्य समुदाय की कलवार जाति से आते हैं। वो बिहार के कटिहार से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। वो एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और अपने संघर्ष से धीरे धीरे बीजेपी में आगे बढ़े हैं। तार किशोर प्रसाद पुराने नेता हैं और इसलिए वैश्य समुदाय से आने वाले संजय जायसवाल को छोड़कर उन्हें चुना गया है। डिप्टी सीएम के तौर पर दूसरा नाम रेणु देवी का बताया जा रहा है। रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई। रेणु देवी नोनिया जाति से हैं। ये जाति बिहार में महादलित समुदाय में आती है। बीजेपी इन दो नामों के साथ ओबीसी और दलित दोनों जातियों को साधने की कोशिश में है। महादलित जातियों में नीतीश कुमार की अच्छी बैठ है। बीजेपी के नए चेहरों से नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सुशील मोदी को महत्व न देना नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिहार में सुशील मोदी 15 साल से बीजेपी का चेहरा थे। 15 साल से सुशील मोदी नीतीश कुमार के जोड़ीदार थे। पहली बार 2005 में एनडीए की जीत से ही ये जोड़ी बनी थी। उसके बाद बिहार में जब तक एनडीए की सरकार रही दोनों की जोड़ी बनी रही, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव के बाद स्थितियां बदल गई हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।